तो हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है भजहु रे मन श्री नंदन। तो ये भजन में क्या कह रहे हैं गोविंददास कविराज जी, इसको हम सुनते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरवाहे भव सिंधु रे, तरवाहे भव सिंधु रे। तो ये भजन में कह रहे हैं कि हे मेरे मन, भगवान नंद नंदन का भजन करो, नंद के पुत्र का भजन करो। अभय चरण अरविंद, ऐसे चरण हैं जो कि अभय प्रदान करते हैं। हमेशा डर लगा हुआ है कोई मेरे सीक्रेट ना बता दे, कोई मेरे राज ना बता दे। डर कितना है, कितना डर है हमें। कई बार जो लीडर्स बन जाते हैं उनके अंदर बड़ा डर व्याप्त होता है। अगर चार गधे भी बैठे होंगे ना कहीं पे, तो वो सोचेंगे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लीडर्स बहुत डरते हैं, बहुत डरते। नेता नेतागिरी में ये प्रॉब्लम है, बहुत डरते हैं। गधों की भी मीटिंग होगी ना तो वो सोचेंगे कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं हो रहा है, हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। मेरी पोजीशन, मेरी पोजीशन। और डरने की और भी कारण है बहुत सारे संसार में। कभी भी मृत्यु आ सकती है, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। भजहु रे मन श्री नंद नंद अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाए भव सिंधु रे। तो अभय चरण का भजन करो, अभय चरण अरविंद भगवान का भजन कीजिए जो अभय प्रदान करने वाले। तो इनका भजन कैसे करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि कैसे करोगे, क्या जाओ भक्तों के संग में, वहां सब पता चल जाए। बस एक ही चीज है, तो वो पूछते हैं कि भाई मिलेगा कैसे, बस यही एक दुर्लभ चीज है, बस सत्संग। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाए भव सिंधु रे। अरे अपने भाग्य को समझो, कितने भाग्य से ये सत्संग मिल गया। ये तो सत्संग है, ये आपको भव सिंधु से पार कर देगा, भव सागर से पार कर देगा। तरहाए भव सिंधु, फिर क्या कह रहे हैं। तो कोई सोच सकता है कि अच्छा ठीक है चलो, भव सागर से इतना प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे भव सागर में। तो कहते हैं कि और क्या, शीत आतप बात बरे शना, ये दिन यामिनी जागिरे, विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे। फिर क्या कह रहे हैं, विफले सेविनो कृपण दुर्जन। कह रहे एक तो ये प्रॉब्लम है इस संसार में, शीत आतप वात वरिषण ये सब चलता ही रहेगा, कष्ट यहाँ पे होता ही रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं, और आते ही जाते रहेंगे, जैसे दिन और रात आते हैं वैसे आते जाते रहेंगे। दूसरा चीज,
इसको बचने के लिए तुम बार बार जाओगे किसी नेता को, किसी को थोड़ा बटरिंग करोगे, कुछ करोगे, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत सुख तुमको दे दे। विफले सेविनु कृपण दुर्जन, बहुत सारे दुर्जन की सेवा करनी पड़ेगी। तो पैसे के लिए किसकी किसकी सेवा करनी पड़ती है बता। एक बार मेरे पिताजी बता रहे थे, एक मर्डर केस आया, लाल कारपेट मर्डर केस। तो लाल कारपेट वालों की फैमिली को, पूरी फैमिली को जिंदा उन्होंने काट दिया। एक बच्चे बच्चा बस किसी तरह बच गया था, पता नहीं कैसे, सो रहा था या जो भी हो। अब उनको बचाना है, जो वकील साहब है उनको बचाना है। मेरे पिताजी ये कह रहे, बचाना पड़ा, और सच में बच भी गए, जो मर्डरर थे वो लोग बच गए, 7 मर्डर करने के बावजूद भी बच गए। कैसे कैसे दुर्जनों की सेवा करनी पड़ती है। देखो एक बार मेरे पिताजी बता रहे थे कि एक 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 आदिवासी कोई शेड्यूल ट्राइब की कोई महिला थी, वो भागे 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 आई, और उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके पति को मार दिया गया है, ऐसे ऐसे करके उसने बताया कि वकील साहब हमें बचा लीजिए। अब जो दूसरी पार्टी वाली है वाले हैं, उनको शायद पता नहीं होगा, वो भी यहीं आ गए थोड़े समय के बाद कि हमको बचा लीजिए। अब वो तो पैसा नहीं दे रही थी ज्यादा, ये तो पैसा दे रहे थे, बहुत सारा पैसा दे, उनको तो 50 लाख भी कम है उनके लिए। तो उन्होंने उसकी जमीन हड़पने के लिए या कुछ करने के लिए किया हो, तो अब वकील साहब किसकी तरफ से लड़ रहे, इन्हीं की तरफ से लड़े जो पैसे दे रहे भाई। विफले से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे। थोड़े से सुख के लिए कितने लोगों की सेवा करनी पड़ती, थोड़े से चपल सुख के लिए। थोड़ा यहाँ सेवा करेंगे, थोड़ा वहां सेवा करेंगे, मतलब कृपण लोगों की बहुत कृपण। ऐसे कृपण लोग कौन है, जो भगवान में अपना मन नहीं लगाते, उनकी सेवा करने से फायदा नहीं होता। इसीलिए अपने परिवार वालों को, मौसा मौसी चाचा चाची सबको भक्त बनाना चाहिए, क्योंकि आपको सेवा तो करनी पड़ेगी उनकी। तो लेकिन ऐसे लोगों को सेवा करने से बहुत विफल कोई कार्य नहीं हुआ, वो फायदा नहीं हुआ कुछ। इसीलिए कह रहे, विफले सेविनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे। थोड़े से सुख के लिए ऐसे कृपण लोगों को सेवा करनी पड़ती है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परती तिरे। कह रहे कि चलो मान लो, अच्छा ठीक है, ये संसार में कष्ट है, लेकिन मेरा परिवार है, आराम से परिवार में सुखी से रहेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे कि आछे परतीति रे। इसको थोड़ा समझो कि ये सब लोग जो धन यौवन पुत्र परिजन ये लोग हैं, कुछ दिन तक तो बहुत कहते हैं मम्मा मम्मा मम्मा, जब बड़ा हो जाता है बेटा तो कहता है उधर हटो, चलो पापा दूर रहो। यौवन भी, अभी तो बहुत हम जवान रहते हैं, तो हमको लगता है कि वो भी पसंद आ रही है, वो भी पसंद आ रही है, सब पसंद आ रही है। कुछ दिन बाद ये यौवन खत्म हो जाता है, फिर तो बस यही गोल ऑफ लाइफ रहता है कि भाई पेट साफ हुआ कि नहीं, और कुछ नहीं। और ये जो धन है, हम इकट्ठा करके, कई लोगों का ये आदत होता है, पैसे बहुत सारे इकट्ठा करेंगे, बस उसको देखेंगे, भगवान के प्रचार में लगाएंगे नहीं, बस देखेंगे, अच्छा लग रहा है क्या। प्रभुपाद ने इसको मना किया, प्रभुपाद ने कहा कि स्पेंड इट इन प्रीचिंग। फिर क्यों कह रहे, कमल दल जल जीवन अटल मल, भजहु हरि पद नीति। कह रहे कि ये जीवन जो है कमल दल के समान है, कमल दल के जल के समान है, कमल के, और कभी भी गिर जाएगा वो, तो कभी भी गिर जाएगा।
इसलिए हरि पद को भजन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये कह रहे हैं कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, भगवान का भजन करना है, ठीक है, तो बताइए करना क्या है। तो गोविंददास जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये सारा चीजें करना चाहिए तुमको। तो ये आज का भजन है, भज हूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, अभय चरण भगवान का भजन करना चाहिए, ठीक है। इस जीवन में मनुष्य, इस संसार में बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म, उससे भी दुर्लभ है इस सत्संग को प्राप्त करना। तो अगर सत्संग को प्राप्त कर लिया है तो आप भव सागर से तार हो जाएंगे। तो कौन सा है भव सागर? जिसमें शीत आतप वात वरीषण ये सब होता रहता है, आता जाता रहता है, और जिससे बचने के लिए हम एसी खरीद पाए इसके लिए हम किसी नेता की सेवा करते हैं, बाद में कभी मतलब छोटे छोटे सुख के लिए इन सब की सेवा करनी पड़ती है। और ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे क्या छि परिस्थिति रे, तो ये सब लोग भी एक दिन धोखा दे देते हैं। कमल दल जल जीवन टलमल बजहु हरि पद नीति, कमल दल के समान, के जल के समान ये जीवन है, तो इसलिए हरि पद का भजन करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, आज हमारे पास काफी समय है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य भजन है, सबको पता है, आज हमारे पास काफी समय। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस यू हैव आज की चर्चा में से, अदरवाइज भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है। चैतन्य कथा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी प्रभु बताएं। जी थोड़ा सा हमको गाइड कीजिए प्रभु जी। तो अभी जैसा श्री प्रभुपाद के काफी बुक्स है, लेकिन स्टेप वाइज पहले कौन सा, फिर बाद में हायर यानी थोड़ा थोड़ा, कौन सा पहले कौन सा बाद में है? इंटरनेट पे सर्च करेंगे अगर ना तो मिल जाएगा, श्रील प्रभुपाद ऑर्डर ऑफ बुक रीडिंग है ना, सजेस्टेड ऑर्डर ऑफ बुक रीडिंग बाय शिला प्रभुपाद, ऑफ शिला प्रभुपाद बुक्स, ऐसा आ जाएगा। तो उसमें कौन सी बुक है क्या है वो सारा उसमें वर्णन है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं लिंक भी डाल देता हूँ लाइव पर। सजेस्टेड हाँ, मैं ये लिंक डाल रहा हूँ आपको, देखिए मुझे लिख गया, मिल गया लिंक। मैंने जूम के चैट में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। सजेस्टेड ऑर्डर स्कीम ऑफ रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, ठीक है, तो ये लिया हुआ है, इस ऑर्डर में सबको पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चन, हैंड हाथ नीचे कर लीजिएगा, जिनका प्रश्न हो जाए तो हाथ नीचे कर सकते। चैतन्य कथा प्रभु, और कोई प्रश्न है आप? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण सब प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्ण प्रभु जी हरे सभी कृष्ण को प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नहीं जाने एक उपाय नहीं बस बस ये कुछ कर बस।